नमस्कार, शशि शर्मा किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कच्ची केला की सब्जी के बारे में। कच्ची केला की सब्जी का सही तरीका बनाने का क्या है वो हम आपको बताएंगे, जिससे कि उसकी पौष्टिकता कम ना हो, क्योंकि ये बहुत ही विटामिन से भरपूर सब्जी होती है। देखिए, मैंने ये सब्जी बनाई है, बिल्कुल लसलसी, ये ऐसी ही सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। चलिए हम बनाते हैं और बताते हैं आपको कि सब्जी कैसे बनाई जाती है इसके आसान तरीके से। ये केले लिए हैं मैंने, ये हाफ के जी केले हैं, ये मोटे मोटे बड़े केले हैं। केले खरीदते समय मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि जो केला थोड़ा सा मोटा हो, नंबर वन। नंबर दो, ग्रीन कलर हो, उसके ऊपर वो काला ना हो, बाहर से ज्यादा साफ हो, ताजी हो, पका ना हो, कच्चा हो, क्योंकि ये केले मार्केट में कई बार थोड़े पक जाते हैं गर्मी के मौसम में खास करके। ध्यान रखें, दबा के देख लें, चेक कर लें कि केला कहीं से पका तो नहीं है। अब हम इससे हमारा केला आसानी से, ऐसे जैसे आलू छीलते हैं ना, ऐसे आसानी से छिल जाएगा। तो केला को आसानी से इस तरीके से छील लें और सारे केले छील के, ये देखिए दोस्तों, हमने केला सब छील लिए हैं। इस चिकल को हटा देते हैं और मैंने केला को, ये देखिए, केला मैंने पानी में डिप कर दिए थे साथ के साथ। इनमें जब हम केला को छीलते हैं तो ये ध्यान रखें, ये काले होने लगते हैं, तो इसलिए केला को छील के साथ उसमें पानी में डिप कर दें इनको गोल गोल स्लाइस में। ऐसे सब्जी का टेस्ट डिपेंड करता है कि केला की क्वालिटी भी क्या है। क्वालिटी अच्छी होगी तो केला की सब्जी भी अच्छी बनेगी। ये देखिए कितने बड़े बड़े पीस निकले हैं। गैस जला देती हूँ, गैस चला दी और केला में थोड़ा सा मैं डालूंगी, थोड़ा सा नमक, जरा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं। इसको उठा के सारी डाल दी मैंने, अब इसको धीमी गैस को मैं थोड़ा सा उनको, अब ये इसका जो काला होने का प्रोसेस है ना, वो सारा बंद हो जाएगा। अब ये काला नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने इस पर हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया और उसको मैंने गैस पे कढ़ाई में डाल दिया। अब ये काला नहीं होगा। उसका कुछ 8-10 कलियाँ ली हैं लहसुन की, ये सब चीज़ें मैं पीस लूँगी। और कुछ मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, ये 1 इंच से ज़्यादा है। अदरक इसमें अच्छी सी डालें, ये चॉप हो जाएंगे अच्छे से। अदरक डाल दी मैंने, अब मैं ऐसे ही प्याज डाल दूंगी मोटी कट करके, प्याज भी सबको। सबको पीस दे दी हूँ मैं, चॉप हो गया। अब हम कढ़ाई को, गैस को देख लेते हैं कैसा। देखिए, ये हमने कवर कर लिया, गैस मैंने बंद कर दी, ये हमारा हो गया है। थोड़ी देर में हो जाता है ये, बहुत ज़्यादा ये केला बहुत अच्छी से बहुत जल्दी पक जाती है, ये वो सॉफ्ट होती है, छिली हुई केला है। और मैं इसको निकाल लेती हूँ, इसमें हल्का सा, देखिए थोड़ा सा ये ऐसे हल्के से दबाने से टूट रहा है, ज़्यादा नहीं पकाया है हमने, हल्का सा इसको सैलो तरीके से किया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ केला को, निकाल के मैं कढ़ाई दोबारा से गैस दोबारा तेल डालती हूँ सरसों का। सरसों के तेल में ही सब्जी बनाई जा रही है, सरसों के तेल की सब्जी अच्छी लगती है, ये साउथ इंडियन सब्जी है। तेल डाल दिया, 1 स्पून जीरा डाल दिया मैंने, 1 स्पून डालूंगी मेथी, यानी कड़ी पत्ते जो होते हैं, कड़ी पत्ते ये बहुत इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं और उससे सब्जी का बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। हमारी
प्याज अदरक लहसुन दो टमाटर लिए हैं मैंने और दो तीन हरी मिर्ची लिए हैं, तीनों को सबको मैं इसमें डालना पीस लूंगी, हरी मिर्च और टमाटर एक साथ में। इसमें भूनते हैं मसाले को जब तक ये ऑयल ना रिलीज नहीं होता इसका। अब इसमें बाकी मसाले डाल देती हूँ मैं, हल्दी मैंने पहले डाल दी थी, थोड़ी हल्दी डाल दी मैंने। देखिए एक चम्मच मैं लाल मिर्ची डाल रही हूँ कलर के लिए, और थोड़ी सी डालती हूँ वैसी नॉर्मल मिर्ची, पक देते हैं। डालती हूँ थोड़ा धनिया, सूखा वाला धनिया पाउडर तीन चम्मच डाल दिया मैंने, इसमें से मसाले डालेना। ढक के पकड़ लेते हैं थोड़ा इसको, इसके बराबर डालेंगे सब्जी मसाला, से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। इसको ढक के अच्छे से पका लेते हैं, नहीं तो छींटे आएंगे बाहर उसके अगर नहीं ढकेंगे तो। इसने इसको ढक दिया है, अब इसको 2 मिनट फिर हम इसको चेक करेंगे कि अच्छे से ऑयल रिलीज हो चुका होगा। देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, इसने ऑयल को रिलीज कर दिया है। देखिए बढ़िया मसाला तैयार हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं बाकी सब्जी। अब हम इसमें डालते हैं जो हमने तैयार की थी केला, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। हमने कुछ नमक इसमें पहले डाल दिया था, जरा सा नमक डलेगा इसमें वो। बहुत ही बेहतरीन, बहुत 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 टेस्टी सब्जी बनने वाली है दोस्तों, बहुत बढ़िया सब्जी बनेगी, ऐसी लसलसी सी बनानी है हमें, ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी ये नहीं बनती है। सूखी सब्जी अच्छी लगती है ये, और ऐसे लसलसी सी बनाओ, ना सूखी और ना ज़्यादा गीली। मैं इसमें थोड़ा डाल देती हूँ पानी, इससे इसको भी और कुछ देर पकाना है इसलिए। एक चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं, कुछ पहले डाल चुकी थी हम, मैंने कुक किया था उसको तब डाला था, थोड़ा मैंने अब डाल दिया, इतना नमक काफ़ी है इसके लिए। अब इसको हमें ढक के पकाना है जब तक ये अच्छे से पूरी सॉफ्ट ना हो जाए केला, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी पक जाती है ये सब्जी में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनने में। 5 मिनट तक पकाएंगे और फिर तब चेक करेंगे। देखिए दोस्तों सब्जी कितनी बढ़िया हो गई है, केला हमारी अभी ये गल गई है इसमें, और इसमें जरा सा डाल देती हूँ मैं गरम मसाला, बहुत बढ़िया ग्रेवी टाइप की सब्जी, पनीर की जैसी सब्जी लग रही है, जैसे पनीर की ग्रेवी होती है जितनी, उस टाइप की ग्रेवी है इसके अंदर। इसको हम चावल के साथ भी खा सकते हैं, और पूरी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, और किसी भी कई चीज़ों के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, चपाती के साथ। बहुत बढ़िया सब्जी बनी है, देखिए देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने से, कितनी टेस्टी सब्जी बनी है। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ थोड़े से धनिया पत्ती, अब मैं
मैं सब्जी को सर्व करती हूँ। देखिए दोस्तों, गैस हम बंद कर देते हैं। देखिए हमने सब्जी सर्व कर दी है, धनिया पत्ती से सजा दिया, बहुत बढ़िया सब्जी बनी है। ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया सब्जी बनी है, बहुत ही सुंदर। अब ये सब्जी रखने के बाद में, केला की सब्जी जब हम गैस बंद कर देते हैं उसके बाद में भी थोड़ी सी ठीक हो जाती है, यानी थोड़ी सूखी सूखी हो जाती है। अब ये जितनी ग्रेवी इसमें दिख रही है वो भी खत्म हो जाएगी ठंडी होते तक, वो बिल्कुल चिपक जाएगी सारी आपस में। ऐसी सब्जी तैयार हुई है दोस्तों, बहुत बढ़िया सब्जी तैयार हुई है। एंजॉय करें, बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। बहुत ही कम समय में बनने वाली सब्जी है और बहुत ही बढ़िया पौष्टिक सब्जी है। केला की सब्जी बहुत पौष्टिक होती है, बच्चे बड़े सबको खानी चाहिए। बस दोस्तों, आपको अगर मेरी तो रेसिपी पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो, अगर आप मेरे को देख रहे हैं, फॉलो करते हैं, तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।